करने का भरोसा देते हुए ये बातें कही हैं। कम बारिश की वजह से बन रहे सूखे जैसे हालातों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसके तहत जहां किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के साथ ही पर्याप्त बिजली सप्लाई देने और बकाया के चलते उनके ट्यूबवेल का कनेक्शन न काटे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति पर भी सतत नजर रखने और आवश्यक तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। कम बारिश और मानसून में सूखे जैसे हालातों का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसले एक बैठक के बाद लिए हैं। असल में योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज प्रदेश में मानसून और खरीफ फसलों की बुआई की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए ये फैसले किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बीच एक एक अन्नदाता किसान का हित सुरक्षित रखा जाएगा और किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कम वर्षा के कारण किसानों को हुए फसल के नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में अविलंब सभी विकल्पों का समाहित करते हुए बेहतर राहत कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने प्रदेश में वर्षा की स्थिति, फसल की बुआई की सही स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट अगले 3 दिन के भीतर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस मॉनसून उत्तर प्रदेश भी कम बारिश का सामना कर रहा है। मसलन उत्तर प्रदेश में अगस्त 1 सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। एक सरकारी बयान के अनुसार इस वर्ष 20 अगस्त तक प्रदेश में कुल 284 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो वर्ष 2021 में हुई 504 मिलीमीटर और वर्ष 2020 में हुई 520 मिलीमीटर वर्षा के सापेक्ष काफी कम है। बयान के मुताबिक सामान्य वर्षा न होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि 19 जुलाई के बाद बारिश की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए यूपी सरकार किसानों को राहत देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।